नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड के इन शानदार पहाड़ों की वादियों से आप देख रहे हैं उत्तराखंड की पांच बड़ी खबरों का बुलेटिन। आज की पांच बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी खबर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जोशीमठ की सुनवाई पर इनकार। तीसरी खबर में बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड और एसटीएफ की परीक्षा को हरी झंडी मिल गई है। चौथी खबर में बात करेंगे मोरी में दलित युवक की पिटाई के मामले में वंचित की गिरफ्तारी की मांग की गई है। और पांचवी खबर में बात होगी एएनएम का जो परीक्षा फल है वो घोषित कर दिया गया है। तो चलिए पहली खबर की शुरुआत करते हैं और पहली खबर में बात करेंगे 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल साल 2015 में हुई दरोगाओं की भर्ती के मामले में जो जांच चल रही थी उसमें यह पाया गया है कि 20 दरोगा जो है वो गलत तरीके से भर्ती हुए थे, जिसके बाद इनको निलंबित कर दिया गया है। इन 20 दरोगाओं पर गाज गिर गई है। हाल ही में एसटीएफ लगातार खुलासे कर रही है, एक के बाद एक जो पेपर लीक कांड हो उसमें जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उसके बाद अब ये एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। दरोगा भर्ती धांधली के मामले में विजिलेंस की रिपोर्ट पर प्रदेश भर के करीब 20 दरोगाओं पर गाज गिरी है। 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया है। ये दरोगा जांच पूरी होने तक निलंबित ही रहेंगे। प्रथम दृष्टया जांच में इन दरोगाओं के नकल करने की बात सामने आई है। हालांकि मुकदमे में अभी किसी भी दरोगा को नामजद नहीं किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि ये फेरिस्ट और भी ज्यादा लंबी हो सकती है। आपको बता दें कि 2015 में सीधी भर्ती हुई थी दरोगाओं की, जिसमें धांधली के सबूत मिले थे और धांधली के सबूत के आधार पर जांच की गई थी। जांच के बाद पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर एसटीएफ ने 12 दरोगाओं के नाम जो है वो पता किए थे। इस परीक्षा को पंतनगर विश्वविद्यालय ने करवाया था। आपको ये भी बता दें कि मामला पुलिस से जुड़ा होने के कारण जांच जो है वो विजिलेंस को सौंप दी गई थी। इस मामले के मुकदमे में आरएमएस कंपनी के मालिक राजेश चौहान, पंतनगर विश्वविद्यालय के अधिकारी, एक डीन को नामजद भी किया गया है। करीब 4 महीने तक इस मामले में जांच चली है और 4 महीने तक चली जांच के बाद विजिलेंस ने पुलिस मुख्यालय को 20 दरोगाओं के नाम दिए। इन पर नकल करने का आरोप है। जांच प्रभावित न हो सके इसीलिए इन सभी को निलंबित करने के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जांच के आधार पर 20 उपनिरीक्षकों को निलंबित किया गया है। सरकार सुशासन के लिए संकल्पबद्ध है। गड़बड़ी करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जल्द ही देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी उत्तराखंड में बनाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री का कहना है। चलिए अब खबर जोशीमठ को लेकर। दरअसल जोशीमठ आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हाई कोर्ट के समक्ष भी कई सारी बातें रखी गई हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जोशीमठ में भू दशाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए अदालती हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट इससे जुड़े हुए विस्तृत मामलों की सुनवाई कर रहा है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से उसे ही इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ये कहा था कि याचिकाकर्ता की ओर से जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर पहले से ही कदम उठाए जा चुके हैं। हाल ही में हुए पटवारी और लेखपाल पेपर लीक मामले में लगातार जांच की जा रही है। इसके बाद कई तरह की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, जिनमें से कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा भी अब होनी है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा तो हो गई है, लेकिन क्या उसमें भी धांधली हुई है? फिलहाल जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कि एसटीएफ के द्वारा कांस्टेबल की भर्ती को, यानी कि उसका तो पेपर हो चुका है, उसका परिणाम घोषित होना है, और फॉरेस्ट गार्ड जिसका पेपर 22 तारीख को होना है, इन दोनों ही परीक्षाओं को अब हरी झंडी दे दी गई है। पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले के बाद अब अटकी हुई उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है इसको हरी झंडी जो है वो एसटीएफ ने दे दी है। अब आयोग जल्द ही कांस्टेबल की जो भर्ती है उसका परिणाम जारी करेगा, क्योंकि इसकी परीक्षा हो चुकी है। फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा है उसका 22 तारीख को उसका एग्जाम होना है, 22 जनवरी को उसका एग्जाम होना है। 3 दिन पहले ही पटवारी भर्ती का जो पेपर है वो लीक होने के बाद आयोग ने इन दोनों परीक्षाओं की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि एसटीएफ को पत्र भेजकर दोनों भर्तियों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया था, और सोमवार को एसटीएफ ने दोनों ही भर्तियों को हरी झंडी दिखा दी है। आयोग अब जल्द ही पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का रिजल्ट है वो जारी करेगा। इसमें आपको ये जानकारी दे दें कि करीब 1 लाख से भी अधिक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में भी 2,10,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिसके लिए 610 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होना है। मोरी में मंदिर में घुसने पर एक दलित युवक की पिटाई कर दी गई थी, उसको बेरहमी से पीटा गया, इसको लेकर के विवाद लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मोरी में जो भीम आर्मी है उसके काफी सारे लोग पहुंचे थे, भीम आर्मी के अध्यक्ष पहुंचे थे। भीम आर्मी के अध्यक्ष के द्वारा एक बयान भी दिया गया था, जिसको लेकर के विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने और तमाम संगठनों ने वहां पर भीम आर्मी के अध्यक्ष मंजीत सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी की है।
मोरी में मंदिर में प्रवेश करने पर दलित युवक की पिटाई के मामले के बाद भीम आर्मी के अध्यक्ष मंजीत सिंह का एक बयान सामने आया था, जिस बयान को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब भीम आर्मी के अध्यक्ष मंजीत सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मोरी के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, इसके साथ ही थाने का घेराव भी किया। विरोध में मोरी व नेटवार के बाजार भी बंद रहे। आपको बता दें कि बाजार बंद करने का ऐलान किया गया था, ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी, जिसके बाद बाजार को बंद भी किया गया। ग्रामीणों ने मोरी थाने में प्रदर्शन करके सवर्ण युवकों पर किए गए मुकदमे वापस लिए जाने की मांग के लिए नारेबाजी की और देर रात को पुलिस के द्वारा समझाने के बाद जो है ग्रामीण वहां पर शांत हुए हैं। आपको बता दें कि ये मामला मोरी से जुड़ा हुआ है, जहां पर 22 साल का एक युवक जिसका नाम आयुष था, वो मंदिर में जब गया तो आरोप था कि उसकी पिटाई की गई, उसे लकड़ियों से पीटा गया, जलती लकड़ियों से, और उसे बांधा भी गया, जिसके बाद भीम आर्मी के सदस्य, भीम आर्मी के लोग वहां पर पहुंचे थे और भीम आर्मी के अध्यक्ष मंजीत के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था, जिस पर बवाल लगातार जारी है। चलिए बात करते हैं एएनएम के लगभग 824 पदों पर जो परीक्षा परिणाम है उसको घोषित कर दिया गया है। और एएनएम के 824 पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अब जल्द ही जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनकी सूची स्वास्थ्य विभाग को भेज दी जाएगी। उत्तराखंड में एएनएम के 824 पदों की जो भर्ती है उसका परिणाम घोषित हो चुका है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम के 824 पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम जो है उसको घोषित कर दिया है। अब यह बताया जा रहा है कि जल्द ही जो बोर्ड है वो चयनित अभ्यर्थियों की सूची स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगा और इसके बाद जिलावार इनकी तैनाती की जाएगी। सोमवार को सचिव जो है इस बोर्ड के अरविंद सिंह पांती ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों का परिणाम जो है वो घोषित किया है। बोर्ड ने 15 मार्च 2022 को स्वास्थ्य विभाग में 824 पदों की विज्ञप्ति जो है वो प्रकाशित की थी और अब इन 824 पदों की जो भर्ती का परिणाम है वो घोषित हो चुका है। ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।